और मोदी सरकार ने जबरन यहाँ बंद किया हुआ है। केसी वेणुगोपाल जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, तरुण जी हैं और तमाम हमारे बड़े एमपीज हैं, रंजन चौधरी भी हैं। हाँ, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, तो सब थाने में और सभी लोग हमारे बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनके साथ आए हैं जी जी गिरफ्तारी देने के लिए। तो क्या है कारण, क्या है यहाँ गिरफ्तारी की वजह क्या है? देखिए, जबरन पुलिस गिरफ्तार कर रही है, कोई कारण भी नहीं है। शांतिपूर्वक अपने दफ्तर जाना चाहते हैं कांग्रेसी, एआईसीसी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। बाहर खड़े होकर शांतिपूर्वक डेमोक्रेसी में अपना रोष प्रदर्शन करना, अपना विरोध करना, ये डेमोक्रेसी में अधिकार है, वो नहीं करने दिया जा रहा। कोई उग्र नहीं हो रहा, कोई हिंसा नहीं हो रही, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठा के यहाँ बंद कर रही है। दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर यहाँ बंद कर रही है और फरीदाबाद आप समझें लगातार सभी थानों में, दिल्ली के सभी थानों में सभी बड़े लीडर्स को अलग अलग ले जाकर बंद किया गया। सभी बड़े नेताओं को अलग अलग ले जाकर बंद किया जा रहा है। और आप समझें, यहाँ विधायक हैं फरीदाबाद से नीरज शर्मा, उनकी भी गिरफ्तारी है, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। बात करेंगे, और भी तमाम कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं।